हेलो एवरीवन, दिस इज स्टाइल विद साइबा। आज की हमारी वीडियो होने वाली है सनस्क्रीन के बारे में। आई नो सनस्क्रीन के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जिनको सनस्क्रीन के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ सनस्क्रीन के बारे में ही कि यूवी ए रेज क्या होता है, यूवी बी रेज क्या होता है, और सनस्क्रीन लेते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। मतलब ऐसे ही जाके ना परचेज नहीं कर लेनी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है उसमें जो हमें एसपीएफ देखना होता है, वो कितना एसपीएफ हमें लेना चाहिए, 20, 30, 40, 50, यहाँ तक कि 90 एसपीएफ भी आता है, 100 भी आता है। और इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगी कि बेस्ट सनस्क्रीन सारे स्किन टाइप्स के लिए कौन सी सही रहेगी, उसके बारे में आपके साथ में शेयर करूंगी। ऐसे ही कोई भी उठा के सनस्क्रीन आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर जेन्युइनली आपको सन से प्रोटेक्शन चाहिए तो ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। फर्स्ट तो यही होता है कि सनस्क्रीन है क्या, भाई हम क्यों यूज करें सनस्क्रीन, वो सारी चीजें हम इसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा मजेदार आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव भी साथ में। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, आपको पता ही होगा कि इस चैनल को करना है सब्सक्राइब स्टाइल विद साइबा। पास में एक बेल आइकन होगा उसको हिट कर देना, सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल फ्री है, तो कंजूसी मत करो, सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सनस्क्रीन है क्या। तो सनस्क्रीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो वो आपको यूवी ए और यूवी बी रेज से प्रोटेक्ट करता है जो कि सन के द्वारा निकलती है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन होगा कि यूवी ए रेज और यूवी बी रेज होती क्या है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यूवी ए रेज के बारे में। यूवी ए रेज जो होती है उससे आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम आती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, सन टैन आपको उससे हो जाता है, इवन आपको स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है इससे, जो कि बहुत बिग प्रॉब्लम होती है। तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि यूवी ए रेज ना बहुत ज्यादा हमारे जो स्किन को बहुत ज्यादा खराब कर देती है, और जो हमारे एजिंग साइंस होता है उसको भी स्पीड अप कर देती है, मीन्स कि आप जल्दी से बूढ़े हो जाओगे। तो मेक श्योर आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करो। नेक्स्ट बारी आती है यूवी बी रेज की। यूवी बी रेज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सन बर्न के लिए। सन बर्न जो आपको प्रॉब्लम आती है ना वो यूवी बी रेज की वजह से आती है। तो मेक श्योर आप डेली प्रोटेक्शन के लिए भी सनस्क्रीन अप्लाई करो, ताकि आप इन सब चीजों से, इन सारी प्रॉब्लम से बच सको। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि कितना एसपीएफ हमारी स्किन के अकॉर्डिंग बेस्ट होता है। तो एसपीएफ बेसिकली होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और जब भी आप सनस्क्रीन चूज करते हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप एसपीएफ 100 ले लोगे तो वो आपको 100% प्रोटेक्शन देगा सन से, बिकॉज एसपीएफ 100 भी आपको 99% ही प्रोटेक्शन देता है यूवी ए यूवी बी रेज से। तो आपको मैक्सिमम जितना सनस्क्रीन में एसपीएफ होना चाहिए वो नॉर्मल 50 सनस्क्रीन में आप ले रहे हो ना एसपीएफ, वो भी बेस्ट है 50 एसपीएफ 50 वाली भी सनस्क्रीन लोगे तो, यानी कि एसपीएफ 20 भी आता है, 30 आता है, 40 भी आता है, मतलब 100 तक आपको एसपीएफ मिल जाएगा। लेकिन ज्यादा पैसे वेस्ट क्यों करने हैं जब आपका 50 में भी काम चल जाएगा। मैक्सिमम जो इंडियन स्किन टोन्स होती है उनको 30-40 इजीली चल जाते हैं, एसपीएफ अच्छा खासा प्रोटेक्शन दे देता है आपको सन से। तो अगर आप एसपीएफ 30 या 40 भी यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट होता है आपके लिए, तो वो वाला भी आप सिलेक्ट कर सकते हो आप बजाय उसके कि एसपीएफ 100 लो। और ऐसा नहीं होता है कि एसपीएफ आपने पहले 30 लगा लिया या फिर बाद में आप कुछ और एसपीएफ की चीज लगा रहे हो, कोई भी सनस्क्रीन या बाद में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो स्किन का जिसमें एसपीएफ है, कोई से भी ऐसा प्रोडक्ट हो, तो ऐसा नहीं है कि वो एड ऑन हो जाएगा, मीन्स कि आपने एसपीएफ 30 लगा लिया पहले बाद में 40 लगा लिया तो वो 70 हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि वो 70 एसपीएफ का काम करेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो आपको ज्यादा प्रोटेक्शन देगा, तो वो आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कितना एसपीएफ आपको, कितना परसेंटेज में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि वो प्रोटेक्ट करेगा सन से और यूवी बी रेज को ब्लॉक करेगा। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं एसपीएफ 15 की, तो वो आपको 93% आपको प्रोटेक्शन देगा। और एसपीएफ 20 की बात करते हैं तो वो आपको 95% प्रोटेक्शन देगा। एसपीएफ 30 की बात करते हैं तो आपको 96.7% प्रोटेक्शन देगा। एसपीएफ 40 की अगर हम बात करते हैं तो आपको 97.3% प्रोटेक्शन देगा। लास्ट में हम बात करते हैं एसपीएफ 50 की, तो वो आपको 98.3% प्रोटेक्शन देगा। और अगर हम एसपीएफ 100 पे डायरेक्ट चले जाते हैं तो वो आपको 99% ही प्रोटेक्शन देगा। कोई भी चीज आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है सन से, बिकॉज वो नेचुरली उसकी रेज होती है, वो हमारी स्किन के ऊपर आती है, तो सिर्फ हम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी 100% नहीं। तो अगर आप मैक्सिमम एसपीएफ लेना चाहते हो तो आपके लिए 30 या 40 भी इंडियन स्किन टोन पे इजिली अप्लाई हो जाती है और इजिली प्रोटेक्ट कर देती है। तो एसपीएफ 30 या 40 भी आप आराम से लगा सकते हैं सनस्क्रीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज पीए, पीए फैक्टर की हम बात करते हैं। पीए फैक्टर में आपको देखना होता है कि पीए ट्रिपल प्लस लेना है, 4+ लेना है, या फिर पीए डबल प्लस भी आता है, कौन सी सनस्क्रीन आपके लिए बेस्ट होगी। बेसिकली पीए फैक्टर जो होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी ए रेज से, तो हमें मैक्सिमम जाना चाहिए हायर पीए की तरफ, यानी कि पीए जो प्लस होता है, सिंपल प्लस जो होता है वो आपको नॉर्मल प्रोटेक्शन देता है, मतलब फेयर प्रोटेक्शन देता है। पीए डबल प्लस पे अगर आप जाते हो तो आपको मीडियम प्रोटेक्शन देता है यूवी ए रेज से, अगर पीए ट्रिपल प्लस पे आप जाते हो तो
आपको गुड प्रोटेक्शन देता है यूवी ए रे से। PA 4+ जाते हो, यानी कि प्लस 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 4+ पे अगर आप जाते हो तो आपको एक्सलेंट प्रोटेक्शन देता है। तो मैक्सिमम आप देखो कि हायर पीए की तरफ जाओ ताकि आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन मिल सके। तो हायर पीए फैक्टर में आप 3+ या फिर 4+ की सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत बेस्ट वर्क करेगी आपके लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक सनस्क्रीन शेयर करना चाहती थी जो कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए बेटर है, अगर आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। तो वो है लोटस सेफ सन डेली सनब्लॉक सनस्क्रीन। और इसमें जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी अवेलेबल है, और मेन चीज ये है कि मैट लुक में है ये। तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है, 3-in-1 मैट लुक डेली सनब्लॉक सनस्क्रीन है जो आपकी सन प्रोटेक्शन देता है। आपको मेंशन है आपको यहाँ पे स्किन वाइटनिंग के लिए भी है, स्किन लाइटनिंग के लिए है बेसिकली, और मैटिफाइंग बेस की तरह काम करता है ये। और इसमें आपको मिलेगा PA 3+ जैसे कि इसमें मेंशन किया हुआ है, और SPF 40 के साथ है जो कि अच्छा खासा आपको प्रोटेक्शन दे देगा सन से। ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, और इसमें मेंशन भी है कि ये UVA और UVB रेस से प्रोटेक्ट करेगा आपको। और मेन है कि ये ऑल स्किन टाइप से गाइज, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, कोई भी आपको घबराने वाली बात नहीं है इसको यूज करने से पहले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्मूले में है और बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं होगा कि सूट ना हो, इजिली ऑल स्किन टाइप के लिए सूट हो जाएगी। और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी ऐसा हायर रेंज में नहीं है। तो अगर आप सनस्क्रीन कोई ढूंढ रहे हो ऐसे डेली के लिए लगाने के लिए, तो ये बेस्ट सनस्क्रीन है। और इसका टेक्सचर भी आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है। सनस्क्रीन थोड़ी टिंटेड में है, लाइक कुछ इस तरीके का फॉर्मूला आपको मिलेगा इस सनस्क्रीन का, जैसे कि हमारा फाउंडेशन वगैरह होता है। तो अगर आप डायरेक्टली सनस्क्रीन को भी अगर अप्लाई करते हो, कोई भी क्रीम नहीं अप्लाई करना चाहते हो, मतलब कि डेली में अगर इसको यूज करते हो, तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट वर्क करेगी आपके लिए। और बिल्कुल थोड़ी सी एप्लीकेशन ही इसकी इनफ होती है, और बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड हो जाती है आपके फेस के ऊपर। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आराम से ब्लेंड हो जाएगी आपके फेस के ऊपर, बिल्कुल भी आपको व्हाइट कास्ट नहीं देगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि व्हाइट कास्ट सा दे देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, टिंटेड में है। और बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है, माइल्ड फ्रेग्रेंस के साथ है, कोई भी ऐसा हैवी टाइप की नहीं है। और बहुत ही अच्छा सा आपको ये वो देती है, और बिल्कुल ग्रीसी टाइप भी नहीं रहेगी ये सनस्क्रीन, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। देखो कि आप कवरेज भी आपको बहुत शाइनी सी मिलेगी, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज्यादा बेस्ट लगी थी ये। तो आप भी इसको एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आप कोई भी सनस्क्रीन डेली के लिए देख रहे हो तो, क्योंकि ये टिंटेड में भी है तो आप इसको इजिली ऐसे ही भी लगाओगे तो वो भी आपका काम कर जाएगा। इसके बाद भी नहीं लगाना चाहते हो कोई भी फाउंडेशन वगैरह तो मत लगाओ यार डेली में फाउंडेशन वगैरह, कोई कौन लगाता, कोई भी नहीं लगाता। तो सिर्फ यही सनस्क्रीन आपका बेस्ट वर्क कर देगी। और ये आपको मैं बता देती हूँ कि कितनी 50 ग्राम आपको क्वांटिटी मिलती है 275 रुपीज में। तो इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बिकॉज टिंटेड है ये सनस्क्रीन, और SPF भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है इसमें। बहुत ज्यादा बेस्ट वर्क करती है ऑल स्किन टाइप्स के लिए, तो और क्या चाहिए यार। PA 3+ का प्रोटेक्शन भी आपको मिल रहा है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा बेस्ट वर्क करेगी आपके। तो जरूर एक बार इसको आप ट्राई करो, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट वर्क करती है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और सनस्क्रीन के बारे में भी आपको बताया कि उसको लेने से पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो वही सारी चीज में अवेलेबल है। लोटस हर्बल की सनस्क्रीन है यार, मतलब जाना माना ब्रांड तो है ये, तो गो फॉर इट, आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यार सब्सक्राइब तो कर ही देना स्टाइल विद साइबा, पास ही में एक बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे यार नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।